हाय, दिस इज़ कविता बख्तियानी। आज हम बनाएंगे चटपटा कॉर्न चाट और चटपटा कॉर्न कैनपीस। यस, एक ही सब चीज़ें मिला के उसमें कुछ फ्यूजन ला के हम दो डिशेस रेडी कर सकते हैं। सो कीप ट्राइंग एंड लेट मी नो आपको कैसे लग रही है मेरी डिशेस। और मेरी डिशेस को देख के बना के प्लीज़ शेयर भी कीजिए और मुझे बताइए आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। आपको नवी नवी डिश फ्यूजन के साथ मिलती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट। कॉर्न चाट बहुत ही अच्छा और चटपटा बनता है और बहुत ही इजी है बनाना। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल कॉर्न, बॉयल पोटैटो बारीक कटा हुआ, ऑनियन बारीक कटा हुआ, पोमोग्रेनेट, टोमेटो बारीक कटा हुआ, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और धनिया बारीक कटा हुआ। रेड चिली, ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं, अदरवाइज़ रेड चिली से भी अच्छा ही बनता है। लेट्स स्टार्ट। पहले हमने एक बाउल में, और नींबू चाहिए हमें, पहले हमने एक बाउल में पोमोग्रेनेट डाल के उसमें नींबू जूस डालना है और चाट मसाला, पिंक सॉल्ट डाल देना है। थोड़ा सा चाट मसाला हमने रख देना है बाद में के लिए। उसके बाद हमने उसमें ऑनियन कटा हुआ डालना है और टोमेटो बारीक कटा हुआ डालना है। एक एक चीज़ डाल के हमने मिक्स करते जाना है। उसके बाद हमने बॉयल पोटैटो डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने सर्विंग प्लेट ले लेनी है और उसके ऊपर फिर हमने कॉर्न डालना है। कॉर्न बॉयल करते समय हमने उसमें नमक ऐड कर दिया था, जैसे वो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट करे। उसके बाद हमने उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करना है, जो हमने थोड़ा बचा के रखा है, चाट मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। ये सब मिक्स करने के बाद हमने उसे ग्रीन धनिया से गार्निश कर देना है। ये बन गया आपका कॉर्न चाट रेडी। इसमें हमने कोई भी चटनी नहीं बनाई है, फिर भी ये बहुत ही अच्छा चटपटा है। अभी इसमें से थोड़ा स्टफ़ लेके हमने उसमें मेयोनीज और रेड चिली पेस्ट डाल ऐड करके वो मिक्स कर देना है। वो हम कैनपीस में फिलिंग कर देंगे। कैनपीस ये आपको रेडी मिल जाते हैं। आप इसे सेवपुरी की पूरी पे भी लगा के ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। इस कैनपीस में थोड़ा स्टफ़ ज़्यादा जाता है और अच्छा लगता है। सो उसमें वो स्टफ़ डालने के बाद हमने ऊपर से उसे चीज़ से ग्रेट कर देना है। बच्चे बहुत ही शौक से ये खाते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। सो डाइट कॉन्शियस ये नहीं खा सके तो कॉर्न चाट खाइए और चीज़ के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। सो कीप ट्राइंग। दोनों डिशेस बहुत ही प्यारी बनती है, अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है और वेरी क्विक बनती है। सो कीप ट्राइंग एंड एन्जॉय। आई विल बी बैक सून विथ न्यू डिश। Keep watching, keep sharing. This is Kavita Bhaktiani. We'll be back soon with new dish. Jai Mata Di. Till then, enjoy. Take care.